नमस्कार, स्वागत है आप सबका यूवी न्यूज में। कहते हैं ना, जब प्यार होता है तो सोच समझ के नहीं होता, बस हो जाता है। और जब बात आती है हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान तो हमेशा से ही प्यार और उन प्यार से जुड़ी कहानियों के लिए जाना गया है, फिर चाहे वो अमर प्रेम हो, राम सीता का या राधा कृष्ण का। मुगले आजम से लेकर रब ने बना दी जोड़ी तक हम सभी ने प्यार को अलग ही परवान और जिद के साथ देखा है। फिल्मों से हटकर भी हमने सच्चा प्यार देखा है, जैसे दिलीप कुमार सायरा बानो की जोड़ी, धर्मेंद्र हेमा मालिनी की जोड़ी, शाहरुख खान गौरी की जोड़ी, अजय देवगन काजोल की जोड़ी, और ये नाम शायद ही खत्म। और सच्चा प्यार क्या होता है, ये हमें सिर्फ फिल्म पर्सनालिटी से ही नहीं बल्कि अपने इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयरों से भी देखने और सीखने को मिलता है। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट टीम के 5 ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें तलाकशुदा महिलाओं से प्यार हुआ, और सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि समाज की बिना परवाह किए उनसे शादी भी की। इन नामों में पहले नंबर पे नाम आता है भारतीय लेग स्पिनर अनिल कुंबेल का। अनिल कुंबेल की पत्नी चेतना रामतीर्थ का तलाक 1998 में हुआ, और उसी साल अनिल कुंबेल ने उन्हें प्रपोज करा, लेकिन उन्हें हार नहीं की। लेकिन अनिल ने हार भी नहीं मानी, और आखिरकार साल 1999 में चेतना ने उन्हें हाँ कहा। साल 1999 में ही दोनों की शादी भी हो गई। आज शादी के इतने सालों बाद भी ये कपल एक साथ खुशी-खुशी रह रहे हैं। दूसरा नाम मोहम्मद शमी, इंडियन टीम के तेज गेंदबाज। जी हाँ, मोहम्मद शमी भी इस प्यार की नाव में शामिल हैं। मोहम्मद शमी की हसीन जहां से 2014 में शादी हुई, लेकिन कुछ वजह के चलते दोनों के बीच अनबन रहने लग गई, जिसके कारण ये दोनों अब एक दूसरे से अलग हो गए हैं। तीसरा नाम आता है भारतीय टीम के ओपनर मुरली विजय का। मुरली विजय की पत्नी निकिता वंजारा है। आप में से कुछ ही लोग ये जानते होंगे कि निकिता वंजारा इंडिया टीम के खिलाड़ी दिनेश कार्तिक की पहली पत्नी रह चुकी है। लेकिन दिनेश कार्तिक से तलाक के बाद निकिता की जिंदगी में 2012 में मुरली विजय आए। अगला नाम है फॉर्मर फास्ट बॉलर वेंकटेश प्रसाद का। वेंकटेश प्रसाद ने साल 1996 में जयंती से शादी की। शादी के इतने लंबे समय के बाद ये कपल साथ साथ खुश रह रहे हैं। और आखिरी नाम है शिखर धवन। जी हाँ, इंडियन टीम के गजब बैट्समैन शिखर धवन। शिखर धवन की पत्नी का नाम आयशा मुखर्जी है। आयशा मेलबर्न के ब्रिटिश बंगाली परिवार से। शिखर धवन और आयशा मुखर्जी की शादी 2012 में हुई। आपको बता दें कि आयशा शिखर से 10 साल बड़ी है, पर वो कहते हैं ना, प्यार में कोई उम्र नहीं देखी जाती और ना ही कोई शर्त होती है। लेकिन पिछले साल कुछ कारणों के चलते इन दोनों का तलाक हो गया। भले ही लोग एक दूसरे से अलग हो जाएं, लेकिन रिश्ते सदा ही कायम रहते हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।